आज 10वा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आहे। या निमित्तान देशभरात ठिकठिकाणी योगा दिनाच्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आले। तर श्रीनगरच्या द लेक परिसरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे योगा करणार आहेत। तर मुंबईमध्ये देखील मरीन ड्राइववर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे योगा कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत। ही दोन दृश्य सध्या आपण पाहतोय। एका दृश्यात नागपूरमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे योगा कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाल्याचं पाहायला मिळतंय। तर दुसरीकडे नवनिर्वाचित खासदार हेमा मालिनी देखील या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचं दृश्य सध्या आपण पाहतोय। तर ही दोन दृश्य सध्या आपण पाहतोय। खासदार हेमा मालिनी या देखील आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाच्या निमित्तानं योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, उन्होंने योग का संदेश पूरा विश्व में दिया है, पूरा यूनिवर्स में। तो उनका जो है ये योग, उनकी वजह से हम लोगों को ये योग मिला है। तो हम ये योगा करते हुए बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे लोग आज भाग लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें भाग लेकर बड़ा अच्छा लगा। एंड देन मैं चाहूंगी कि सारे जितने भी जनता है सब लोग योग एटलीस्ट आधा घंटे के लिए रोज करें, ताकि निरोगी रहें सब। धन्यवाद। आप खाना की नगरी में आए, योगी भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आए, क्या समझ लेना चाहिए, क्या कुछ करेंगे? देखिए, भगवान तो हमारे योगी थे ही, योगी राज थे, और आज उन्होंने मथुरा में हमें योग करने बुलाया है। उनका आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर। एक ऐसी हमारी प्राचीनतम ये विधा। लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा।